गंदे नाले का किनारा पकड़ते हुए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं असुर लेक की तरफ। हे गाइस, स्वागत है आप नए वीडियो में। मैं हूं सुरेंद्र। देख लो भाई सारे, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और बेंगलुरु में मौसम कुछ ऐसा है, धूप खिली हुई। कोरोना का यहाँ तो डर नहीं है भाई, यहाँ तो समझो कोरोना ख़त्म हो गया। एकदम पूरा माहौल पहले के जैसा हो गया। ये मेरा दोस्त हमजा, अलसुर लेक जा रहे हैं। बेंगलुरु का एक बिगेस्ट लेक है यहाँ पे। चलते हैं हम सारे, तो बने रहिए हमारे साथ। और भाई मास्क निकाल दे, मास्क निकालेगा तो चार्ज मारता है, मालूम है आपको? कोई नहीं कोई नहीं, सह लेंगे। 500 मास्क का चार्ज है। और कितना दूर है यहाँ से अभी? और बस पहुँच गए, 2 मिनट का रास्ता और है। रूम से निकले हुए 20 मिनट हो गया और अभी तक नहीं पहुँचे। ये क्या है भाई? वैसे तो यार बाहर से तो थोड़ा गड्ढा गड्ढा दिख रहा है यार, जैसे हमारे यूपी बिहार में होता है मछली मारने का। कोई नहीं, फिर भी जाएंगे। देख लो भाई सारे, नहीं अब पार्क में जाने का रास्ता किधर से है? हाँ अंदर जाना है अभी तो यार भाई, 10 मिनट चल रही है, उधर से आ रहे हैं। फोटो ले, ओके ठीक है भाई। ये सिक्योरिटी वाले बोल रहे थे कि यहाँ फोटो वीडियो नहीं पकड़ना है गवर्नमेंट का, लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले हैं, थोड़ा तो ले ही लेंगे। ओके गाइस, यही है सब पार्क का। बेंगलुरु में एक बात है यार, यहाँ पे लाइक गार्डन ज़्यादा है यार, इसको गार्डन सिटी बोलते हैं। यहाँ रोड पे इतना पेड़ मिल जाएगा कि मतलब पूरा छाँव ही छाँव रहेगा रास्ते पर। ये देखो अंकल जी, ये क्या इलेक्ट्रिक है क्या? इलेक्ट्रिक है? इलेक्ट्रिक। कितना पैसा? ये वाला 350 सर। ये क्या लकड़ी का है? लकड़ी का, पूरा लकड़ी का है। अच्छा अच्छा अच्छा, 350। अच्छा वो कंघी कितने का है? ये भी लकड़ी है? पूरा लकड़ी का है आइटम सर। अच्छा अच्छा, सही है सही है। इसका कितना है? 120 है क्या? ठीक है, आने का टाइम देते हैं। थैंक यू अंकल। गलत टाइम पे आ गए यार, हमको टाइमिंग मालूम नहीं था। देख लो भाई सारे, यही है टाइमिंग बोर्ड इसका। कोई नहीं, हम बाहर से दिखाएंगे। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है।
हम जा इधर आ भाई। तो इस झील को बनवाया था केम्पे गौड़ा ने, जिन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना भी की थी। और ये झील 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस झील में कई छोटे छोटे टापू भी हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस झील में 3 नालों के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। जल्दी सूखता तो नहीं है, हाँ गर्मियों में थोड़ा पानी कम ज़रूर हो जाता है। गाइस अभी हम आ रहे थे तो जो सिक्योरिटी भैया हमसे बात किए थे, अभी वो मिल गए हैं। हाय बोल दीजिए भैया, यूट्यूब पे जाएगा आपका वीडियो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशी है। कहाँ के रहने वाले? काशी। यहीं के? बेंगलुरु के? बेंगलुरु से। कितना पैसे काम हुआ? 3,000। सही है। ओके भैया, थैंक यू। तो ये भैया थे काशी, यहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं सिक्योरिटी में। इन्होंने हमें रास्ता बताया था। अंदर तो नहीं घुस पाया यार, क्योंकि उसका टाइमिंग है 5 बजे, सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, तो टाइमिंग हमको मालूम नहीं था। कोई नहीं, फिर कभी आएंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, मैं लेक के अंदर का एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।